हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मयी। सो आज मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो हाँ, आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। तो उठने के बाद मेरे मेड तो अभी छुट्टी पे ही है ही, और मैं उठ के सारे घर का जो डस्टिंग वगैरह है कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया। अभी जो बाहर का है, घर का बाहर जो एरिया है, वहाँ पर मैंने अल्पना दे रही हूँ। अभी मैं जाऊंगी सिर्फ लंच बनाने के लिए। मैं फटाफट लंच बना लूंगी, फिर मैं जाऊंगी आज नहाने। और यहाँ पे मैं लंच में आज बना रही हूँ प्रॉन। सो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल के साथ मैं ऑनियन एंड पटैटो एंड प्रॉन को फ्राई कर रही हूँ, ताकि उसका जो पानी निकल जाए और थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और ये देखिए फ़िश एग है। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ जो प्रॉन करी के लिए। सिर्फ ऑनियन डाल के थोड़ा सा भून दिया, और उसके साथ टमाटर एंड कैसू का पेस्ट रखा था, तो वो डाल के मैंने यहाँ पे मसाला तय कर रही हूँ। फिर जो मैं भून के रखी थी जो प्रॉन आलू, वो बाद में मैं डाल दूँगी। तो इसमें से क्या होता ना कि जल्दी बन जाता है करी, और फटाफट टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा मछली लेके आए थे हस्बैंड, और ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा फिश देख रहे, एक ही कटा रहता है, बहुत ही टेस्टी होता है, पापदा फिश बोलते हैं उसको। तो ये दो फिश भी मैं आज फ्राई कर लूँगी। और ये जो फिश होता है बहुत ही टेस्टी होता है, और जो छोटा फिश होता है ये बहुत हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। तो वो वाला भी मैं आज फ्राई करूँगी। और ये जो फिश होता है बहुत इजीली, बहुत फटाफट फ्राई हो जाता है, और कम ऑयल में भी फ्राई हो जाता है। तो ये फिश फ्राई तो हो गया है, अभी मैं छोटा वाला फिश जो है वो मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं फिर से मस्टर्ड ऑयल दे दिया है, और जो छोटा फिश को मैंने मैरिनेट करके रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिकन मसाला एंड थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा मैंने करी लीव्स डाली थी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लगा के यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी साइड भी मैंने और एक कढ़ाई में भी फ्राई कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी फटाफट बन जाए। तो बहुत सारे फिश आए थे, ये वाला छोटा छोटा फिश, तो मैंने दो कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। और साइड में देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटर एंड ग्रीन चिली काट के रखी हूँ। देखिए मेरा जो फिश है, जो छोटा वाला फिश है, वो तो फ्राई हो चुका था। अभी मैं सारे जो काट के रखी थी ऑनियन, टमाटर, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिली को अच्छी तरह से थोड़ी सी ऑयल एंड सॉल्ट के साथ मैं थोड़ी सी सॉफ्ट होने दूँगी। अभी मैं फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी, फिर बाद में मैं जो सारे छोटे छोटे फिश जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो वाला मिक्स करके फिर से फ्राई करूँगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है। ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है, और ये बहुत ही टेस्टी बना था, गाइस ज़रूर बना के खाइएगा, और हेल्दी भी है। और साइड बाय साइड मेरा राइस डाल तो हो गया था, और सारे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, और रोटी भी मैं बाद में बना लूँगी। और मैं फिर मिलती हूँ आपको इवनिंग के टाइम पे। सो ये रहा इवनिंग का टाइम। हम लोग आफ्टरनून में थोड़े सी नाप लेने के बाद हम लोग उठ गए थे, फिर दोनों बच्चे को खाना पीना हो गया था, फिर मैं आ गई, बेड साफ़ करती हूँ। मैं हमेशा इवनिंग को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बच्चे लोग कूदते रहते हैं और बेड अगर बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बेड मैंने साफ़ कर लिया है, और साइड में मेरा जो स्टडी टेबल है, मैं जो यूट्यूब का सब काम वगैरह करती हूँ, और मेरा कुछ कुछ सामान भी है, तो वो वाला मैं समेट लूँगी अभी। घर को आप जितना भी क्लीन करो उतना मतलब अगर आप ज़्यादा क्लीन करोगे तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। अगर आप चाहे तो ना क्लीन करें तो ना कर सकते हो, बट दिखने में अच्छा नहीं लगता है। सो इसीलिए मैं जितना भी मैं टायर्ड फील करती हूँ, मैं हमेशा घर को क्लीन रखने के लिए कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मेरा मैं आगे फिर से किचन में डिनर बनाने के लिए, और अभी मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ था, मैंने डोसा बैटर, मैंने मतलब जो उड़द दाल एंड चावल को मैंने बहुत सुबह से मैं भिगो के रखी थी, तो अब मैंने पीस के रख लूँगी। फिर रात 9-10 बजे हम लोग डोसा बना के खाएंगे आज,
एक्चुअली सुबह बहुत हैवी हो गया था, तो इसीलिए आज मैंने ऐसे सिंपल सा डोसा बना लूँगी। और उसके साथ मैंने जो वाइट मटर है उसको मैंने भिगोई थी, तो उसका एक करी बनाऊँगी, तो उसके साथ हम लोग का डिनर होगा। तो ये देखिए बहुत सारा बैटर मैंने बना लिया था, और आज का डिनर का भी हो जाएगा, फिर सुबह भी जो मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। इसी चक्कर में मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगोए थे। तो यहाँ पे देखिए जो मटर मैंने भिगोई थी उसके साथ मैंने बैंगन और आलू को मिला के मैं एक करी बनाऊँगी। तो फटाफट यहाँ पे सारे चीज़ें मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। जैसे ऑयल मैंने डाल दिया, फिर जीरा को मैं भून लूँगी, फिर ऑनियन डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके सारे मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी। फिर बाद में मटर एंड जो सब्जी मैंने काट के रखी थी, बैंगन और आलू को सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बस दो सीटी लगा दूँगी, बस हो जाएगा बन के रेडी। और साइड में मेरी दोनों बच्चे खेल रहे हैं बहुत अच्छे से, और मैं फटाफट आज बहुत सारा काम भी है। और जो ये वाला करी है बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बन जाता है अगर आप चने को भिगो के रखे हैं पहले से, तो बन के रेडी हो जाएगा फटाफट। और साइड बाय साइड मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। और ये देखिए डोसा मेरा बन के रेडी हो गया है, अभी मैं एक एक बना के रख लूँगी, फिर इजी होगा। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।